फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है दोस्तों। इस टाइम पे हैं दिल्ली में और आपको हम पिछले वीडियो में दिखाए थे लाल किला जो दिल्ली में है, और अब हम चलने वाले हैं जामा मस्जिद। और जो वहाँ पे मार्केट लगता है मिनी मार्केट, जो पहले लगता था राजा महाराजा के जमाने में, वो आज फिर से लग रहा है, मतलब हमेशा लगता है। चलते हैं, आप लोग वीडियो में बनी नहीं हो सकते हैं जामा मस्जिद, और वहाँ का जो मार्केट है आप लोगों को मस्त दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, जामा मस्जिद के जस्ट पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से चलते हैं। दिखाते हैं राइट साइड से अपने चलेंगे, और मीना बाजार बोलते थे पहले राजाओं के टाइम पे, वहाँ पे मीना बाजार लगता था, उसी को उसी के जैसे अभी भी मार्केट लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं, और बहुत सस्ते सस्ते वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, शूज वगैरह मिलते हैं। अगर सस्ते लेने हैं तो जरूर से यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। लेकिन एक विशेष, मैं जा चुका हूँ एक आध दो बार, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे धांधलेबाजी भी होता है। आप वहाँ कपड़े लें तो देख के लें, क्योंकि वहाँ पे सस्ते कपड़े दे देते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखेगा, नहीं ऊपर से अच्छे दिखेगा लेकिन नीचे खराब भी फटा रहता है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जामा मंदिर के एकदम सामने, इधर से जो दिख रहा है यहाँ पे जामा मंदिर है, और यहीं पे मार्केट लगा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे ये मार्केट लगा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शायद कम दामों पे मिलता है। एक सेल्फी स्टिक जरूर देखना है यार। ये है दोस्तों मार्केट, यहाँ पे हर प्रकार के कपड़े, शूज, मतलब बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छे अच्छे फैशन डिजाइनों में रखा गया दोस्तों यहाँ पे, सस्ते 100 रुपए, बहुत ही सस्ते 100-150 में बहुत सारे आइटम। हाँ ले लेना। तो फाइनली दोस्तों अपन लोग पहुंच चुके जामा मस्जिद। आ जाओ इधर से ले जाओ, सुरमा है इधर 20 का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग वहाँ से आए थे, थक गए, और ये गेट और इसी से अंदर से चलेंगे अपन लोग, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम जामा मस्जिद के अंदर हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है जामा मस्जिद, जिसमें कुछ अभी हो भी रहा है, मुझे तो नहीं पता ये मुस्लिम लोगों क्या क्या होता है, पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी बना हुआ है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे और घूमिए, काफ़ी अच्छा है, लेकिन गर्मी में ज़रूर ना आइएगा, बहुत गर्मी लगता है यहाँ पे। ये गेट है वहाँ से, और ऐसा कुछ दिखता है, काफी स्पेस के साथ है।
यहाँ पे पैर धुलने के लिए कुछ बनाया गया है मुझे तो दोस्तों, ज़्यादा तो हमें नहीं पता यहाँ के बारे में डिटेल्स, लेकिन आप देख ही सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ का। And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. तो finally दोस्तों अपन लोग जमा मस्जिद भी घूम लिए, अब चलते हैं कहीं और मीना बाजार में देख लेते हैं क्या हाल चाल है, और कुछ फिर लेते चलेंगे देते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर वहां से अपने को निकलना है आज हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी से फिर वहां से हल्द्वानी से फिर बन जाएंगे नैनीताल तो दूसरा वीडियो आएगा, लेकिन अभी चलते हैं पुराना। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।